Morning, students. Myself, Shamlata Sharma from Adarsh Shiksha Niketan High School. Today, I am going to study SCF and LCM. Okay? And exercise 1.2. First of all, SCF. SCF kya hota hai? Product of the smallest power of each common prime factor in the number. Smallest power of each common prime factor in the numbers. Common ko lenge isme aur kaun sa smallest power. Second is LCM. LCM kya hota hai? Least common multiple. Product of the greatest power of each prime factor involved in the numbers. सबसे पहले प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो अपने आप को छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होते. 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स होंगे हमारे 2 3 5 7 अब तो इनफाइनाइट. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2. एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. दिस इज योर एनसीईआरटी बुक. Express the number as a product of its prime factors. इस number को हमें किसमें express करना है? Product of prime factors. इसके prime factor निकालोगे सबसे पहला prime number कौन सा होता है हमारा? 2 divided by 2. 2 7s are 14, 0, 2 3s are 6, 2 5s are 10. 10 divided by 5. 5 7s are 35. 7 means are 140 को कैसे लिखोगे आप? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स 2 रेज टू 2 इनटू 5 इनटू 7. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. सारे नंबर्स कैसे आए? ये हमारे प्राइम नंबर्स है. सेकंड पार्ट है इसका 156. 156 के प्राइम फैक्टर निकालो. 2 से डिवाइड हो गए. 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से फिर 13 से. तो 156 के फैक्टर क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 2 रेज टू 2 3 मल्टीप्लाई 13. ये क्या आ गए? हमारे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स. पेयर में दिए हुए हैं आपको टू नंबर्स, उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है. एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ, वेरीफाई करना है एच एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, देन एचसीएफ, फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. जो हमें टू नंबर्स गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए. फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91. 26 एंड 91, इसका हमें LCM एंड HCF दोनों निकालें. इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो. 26 2 से डिवाइड होगा, देन 13 से. सिमिलरली 91 के किससे? 7 से डिवाइड होगा, या 7 वन जा 7, 7 3 जा 21, देन 13 से. तो 26 के फैक्टर क्या आए हैं हमारे? 2 इंटू 13. के फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई 30 एंड 91 7 मल्टीप्लाई 30. एलसीएम ऑफ 26 एंड 91. एलसीएम क्या होगा इसमें? 2 मल्टीप्लाई 7 इंटू 30, ठीक है. एंड एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ 26
91. HCF क्या था? Highest common factor. अब इसमें देखिए जो common factor है वो क्या है हमारा इसमें 13. Common क्या है इसमें 13. तो HCF क्या आ गया हमारा 13. LCM अब question क्या है आपका यहाँ तक तो solve हो गया. Find LCM and HCF. Then prove that product of two numbers is equal to LCM and HCF. ये हमें verification करनी है इसकी. Verify करो इसे. Verification. Verification है LCM multiply HCF. अब LCM क्या है? कितना आएगा हमारे 2 × 7, 14 multiply 13 is equal to 14 और 13 की multiply जब आप करोगे 3 × 4 = 12, 4 × 1 कितना आ गया ये 182 and LCM is 13 and LCM and HCF 182 multiply 13. अब ये product of two numbers कौन से given है हमें 26 and 91 and product of two numbers 26 multiply 91 इनकी multiply करो 91 multiply 26 ये आया आपका 2 3 6 6 और इनकी multiply आपकी आएगी HCF and LCM multiply of HCF and LCM 182 multiply 13 2 8 1 6 6 2 3 6 6 that means product of two numbers is also 2 3 6 6 and LCM and HCF का जो product है वो भी क्या आया हमारा 2 3 6 6 both are equal ये verify हो गया LCM multiply HCF is equal to product of two numbers ठीक है ये आपका second question था third question है find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization आपको prime factor ही निकालने हैं prime factor से क्या करना है मैं find the LCM and HCF LCM and HCF निकाला जो मैंने अभी आपको बताया है same वैसे of the following integers by applying the prime factorization method question number 3 first part है अब इसमें जो first question था उसमें 1 digit थी second question आया है उसमें 2 digit थी और जो third question है इसमें 3 digits हैं क्या निकालना है हमें इनका LCM and HCF से पहले इनके हमें LCM जब आप निकालोगे तो सबका separate करना है because ये prime factorization से method से करना है 2 से divide होगा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5 21 से 3 से divide होगा ये फिर 7 तो 12 के factor क्या आए हैं हमारे 2 × 2 × 3 × 1 2 कितने times है 2 times तो 2 raised to 2 multiply 3 3 कितने times है 4 times then prime factor of 15 15 के prime factor 3 1 times है 5 1 21 21 के factor क्या होंगे 3 1 and 7 is to 1 ठीक है अब इसमें निकालना है हमें LCM and HCF first of all we find LCM LCM of numbers कौन से हमारे 12 15 and 21 LCM में देखिए अब यहां से numbers highest power इसकी कितनी है 2 raised to 2 multiply 3 और कौन सा number है 5
multiply 7. 60 multiply 7, 4, 20. Here I have LCM of numbers 12, 15 and 21. Then find HCF. HCF of 12, 15 and 21. HCF देखिए अब इसमें common factor क्या है हमारा 3. Common factor क्या है 3. और 3 कितनी टाइप्स है? 1 टाइप्स जो common है. तो HCF क्या आ गया हमारा 3. LCM is 420 and HCF is 3. This is the answer. इसके And next question है fourth question. This is very important question क्योंकि आपका ये क्या टाइम एग्जाम्स में भी आ चुका है मोस्टली आ जाता है ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर है गिवन दैट HCF 306657 is equal to 9. HCF given है हमें then find LCM of 306657 ये find करना है. Given क्या है हमें HCF और find क्या करना है हमें LCM. अब देखिए यहाँ पर we know that HCF of two numbers A and B multiply LCM of two numbers A and B. किसके इक्वल होता है ये? Product of two numbers A and B. अभी जो last question है इसमें हमने किया था ये verification किया था. LCM multiply HCF is equal to product of two numbers. दोनों का product किस क्या आया था? Equal. वो verify हो गया था. कई property यहाँ पर लगाएंगे. We know that HCF of two numbers है कोई भी A and B. Product of HCF and LCM is equal to किसके होता है? Product of two numbers. And here the two numbers are Here the two numbers कौन से हैं हमारे 306 and 657. Then property ये क्या है हमारा HCF. अब इसमें देखिए HCF हमें given है 9 HCF of AB. AB number क्या है हमारे 306 and 657 is equal to मल्टीप्लाई एलसीएम एलसीएम हमें फाइंड करना है और नंबर क्या है 306657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू नंबर्स है 306 एंड 657 306 एंड 657 HCF की वैल्यू हमें गिवन है 9. ये वैल्यू यहाँ तक कितनी है हमारी 9. मल्टीप्लाई LCM फाइंड करना है 06 एंड 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर Seven are 21.
ये क्वेश्चन आपका ऐसे पूरा सॉल्व करना भी आता है या फिर ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है हमारा क्वेश्चन, लेकिन 1 मार्क्स के लिए भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या था ये एक बार फिर से सुनिए। गिवन दैट हमें एलसीएम गिवन था 2 नंबर्स का, 9। एलसीएम फाइंड करना है। वी नो दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। एलसीएम की वैल्यू 9 पुट करें देन एलसीएम इज इक्वल टू 306 एंड 657। एलसीएम फाइंड करेंगे, 9 इधर आ गया हमारा डिनोमिनेटर में, 9 से डिवाइड हो गया 34 पर, 34 मल्टीप्लाई 657 ये आया हमारा 22338। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th 6th सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7th है। अब इसमें भी क्या निकाला, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितने लेती है, 18 मिनट्स लेती है टू ड्राइव करने के लिए एक फील्ड को, का एक राउंड लगाने के लिए। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि है वो उसी टाइम सेम राउंड लगाने के लिए कितने लेता है, 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, ये हमने लेट किया कि दोनों एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फाइंड क्या करना है कि आफ्टर हाउ मेनी कितने मिनट में वो फिर से जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पर मीट करेंगे। तो ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, एलसीएम है एचसीएफ का। तो इसमें भी क्या निकालना है आपको, एलसीएम कितने मिनट्स दिए हैं, सोनिया के 18 मिनट्स है और रवि के 12 मिनट्स। तो 18 और 12 का क्या निकालोगे आप, एलसीएम। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है। ये क्वेश्चंस आपको एक बार रिवाइज करने हैं, ट्राई करने हैं। ठीक है, बाकी की नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक आपको आगे कराएंगे। आज इतना ही। ओके, थैंक यू। ट्राई दीज क्वेश्चंस।